ओवरऑल सभी जगहों पे बड़े अच्छे स्मूथली इलेक्शन हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है। हमारे 372 पोलिंग स्टेशन हैं 3 एसीज में, कुलगाम, देवसर और डीएचपुरा में। सभी जगहों पे सुबह 5:30 से जो हमारे मॉक पोल की प्रोसेस होती है वो शुरू हुई। 7 बजे तक 100% पोलिंग स्टेशन पे मॉक पोल वॉज कम्प्लीट। उसके बाद जो हमारा टाइम स्पेसिफाइड है 7 AM से सभी जगहों पे पोलिंग शुरू हो गई। और व्हाट वी हैव बीन सीइंग इज सुबह से ही, इनफैक्ट 6:30 से ही काफी जगहों पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं इस समय अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, चाहे डीएचपुरा हो, कुलगाम हो, देवसर हो, सभी जगहों पे बहुत सारे लोग लाइनों में भी हैं और कंटिन्यूअसली स्मूथली इलेक्शंस आर गोइंग ऑन। 100% हमारी जो पोलिंग स्टेशन है उनमें वेबकास्टिंग हमने रखी हुई है। देर आर कैमराज इनसाइड द पोलिंग स्टेशन एज वेल एज आउटसाइड क्यूज को मॉनिटर करने के लिए, और पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल कंट्रोल रूम से हम लोग यहां से हर किसी पोलिंग स्टेशन को मॉनिटर भी करते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं क्यू में कोई समस्या तो नहीं है, दैट ऑल इज बींग टेकन केयर ऑफ। इसी के साथ हमारे पूरे फील्ड में सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स, जोनल मैजिस्ट्रेट, जोनल ऑफिसर, CAPF, एवरीथिंग इज डिप्लॉयड प्रॉपरली। वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड एंड वेरी ह्यूज वोटर टर्न आउट। और अभी जो मुझे लगता है पहले फर्स्ट रिपोर्टिंग जो ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी दैट विल बी ऑफ 9 AM। उसके बाद हर 2 घंटे जो हमारी परसेंटेजेस होती हैं, पोलिंग परसेंटेजेस, दे आर रिफ्लेक्टेड ऑन द ECI's पोर्टल ऑल्सो, और जो वोटर टर्नआउट ऐप है उसमें भी वो अवेलेबल रहते हैं। तो सभी ऑल अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस। इससे पहले भी जो हमारा पूरा कैंपेन पीरियड यहां पे था, इसमें बड़ा पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही एंथुजियाज्म देखा गया है। लगभग 600 के आसपास हमने डिस्ट्रिक्ट में परमिशंस इशू किए हैं इलेक्शन रैलीज और प्रोसेशंस के लिए, विच इज वेरी हाई। इसी तरीके से आज एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट चीज ये भी हुई है कि जितने भी जो हमारी पोलिंग जो मॉक पोल होता है या जो हमारी पोलिंग स्टेशंस होते हैं, लगभग इस समय 1300 से ज्यादा पोलिंग एजेंट्स डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पोलिंग स्टेशंस में डिफरेंट कैंडिडेट्स के, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जो हैं, दे आर प्रेजेंट देयर। सो हम शाम को हमारी जो EVMs हैं, आफ्टर दे आर कलेक्टेड एट द रिसीट सेंटर्स इन द रेस्पेक्टिव ACs, दे विल बी फाइनली हमारी स्ट्रांग रूम्स डिग्री कॉलेज कुलगाम में काउंटिंग स्ट्रांग रूम हॉल्स भी और स्ट्रांग रूम भी वहां बनाए गए हैं, दे विल बी स्टोर्ड देयर। और इस पूरे प्रोसेस में हमारे सभी कैंडिडेट्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या जो पोलिटिकल पार्टीज रहते हैं कंसर्न, दे आर पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस। तो यहाँ पे मॉनिटर बनाया गया है आपका कंट्रोल रूम, तो यहाँ से क्या क्या मॉनिटरिंग, यहाँ से सब चीजों की मॉनिटरिंग होती है। एक तो हर किसी पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग सही टाइम पे शुरू हुई कि नहीं हुई, वो सारी चीजें इस पे डिटेल्स होती हैं। लाइव हर किसी जो कहते हैं पोलिंग स्टेशन की फुटेज देखी जाती है, उसके अंदर की बाहर की फुटेज, ये स्मूथली जा रही है कि नहीं जा रही है, कहीं पे भी कुछ भी इंटरवीन करने की जरूरत होती है तो जो हमारे कैमराज लगे हैं, दिस इज अ 2-वे कम्युनिकेशन। हम लोग यहां से उनको, हम वहां की आवाज भी सुन पाते हैं, इनफैक्ट वी कैन कम्युनिकेट फ्रॉम हेयर ऑल्सो, दैट ऑल इज डन। सो इट्स इन 100% ऑफ पोलिंग स्टेशन, और बोथ हमने अंदर भी लगाए हैं और बाहर भी ये कैमराज लगाए हैं। इसी के साथ में जो हमारी रिपोर्टिंग होती है कि मॉक पोल टाइम पे शुरू हुआ, हैज इट बीन कम्प्लीटेड टाइमली, इसी तरीके से जो स्टार्टअप पोल है, क्या पोल सही तरीके से चल रहा है, रिपोर्टिंग जो हमारी पोलिंग की होती है। इसी के साथ इसमें जितने भी हमारे पब्लिक हैं वो सी विजिल ऐप के जरिए भी किसी को कोई कंप्लेंट करनी होती है या किसी को कोई समस्या होती है, वो सब यहां पे रिपोर्ट होता है हमारे सामने। लोग भी या पोलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स, दे कीप ऑन कॉलिंग ऑल्सो, किसी को कोई कुछ कोई चीज नोटिस में लानी हो, कोई किसी को कोई क्वेरी हो, सो इट्स अ मल्टी फंक्शनल। इसी के साथ हमने दूसरे साइड में भी एक और जो कंट्रोल रूम रखा है, वहां हमारा 1950 जो लैंडलाइन नंबर है, इट्स अ टोल फ्री नंबर, इस पर कोई भी कॉल कर सकता है, वो कॉल्स ली जाती हैं। बाकी जो हमारे स्ट्रांग रूम्स हैं, हमारे SSTs, FSTs जहां पे लोकेटेड हैं, उन सबकी वीडियो फुटेज भी कंटिन्यूसली मॉनिटर की जाती है। सो क्योंकि इसमें हम लोग हाईएस्ट लेवल से डिस्ट्रिक्ट में इसको मॉनिटर करते हैं, तो दिस एनश्योर्स कि टाइमली अगर कहीं पे कोई ईवीएम में समस्या आ गई तो दिस गेट इज रिपोर्टेड विद इन अ मिनट,
उसी बीच में जो कंसर्न्ड सेक्टर ऑफिसर होता है, सेक्टर मैजिस्ट्रेट होता है, उनके साथ जो इंजीनियर्स की टीम होती है, जो रिजर्व ईवीएम्स होती हैं, उनको इमीडिएटली डिप्लॉय किया जाता है। सो इस पूरे प्रोसेस से दो तीन चीजें होती हैं। एक, नंबर वन, इट इंश्योर्स दैट एंटायर प्रोसेस, पूरे इलेक्शन आर डन इन स्मूथ, फ्री एंड फेयर मैनर। इसी के साथ हमारा रिस्पॉन्स टाइम बिकम्स मिनिमल, इट इज मिनट्स, मिनट्स में चाहे कहीं पहुंचने की जरूरत हो, कहीं डिप्लॉय करने की जरूरत हो, इट हैपन्स विद इन अ मिनट। कहीं पे कोई टेक्निकल इशू हो, इट्स अगेन सॉर्टेड विद इन मिनट्स। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।